अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट करने का सही तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि हमारे टिकटॉक वीडियो पे व्यूज नहीं आते, तो उसका बहुत ज्यादा जो मसला होता है वो पोस्ट करने का तरीका होता है। आप लोग सही तरीके से वीडियो पोस्ट नहीं करते हो। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो चलते हैं। सबसे पहले तो अपने अपना टाइम नोट करना है कि मैंने किस टाइम पे टिकटॉक मुझे कौन सा टाइम दे रहा है कि मैं उस टाइम पे पोस्ट करूं वीडियो। उसके लिए आपने जाना है प्रोफाइल में, थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद, ये जो थ्री लाइंस है इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद क्रिएटर टूल में जाओ। क्रिएटर टूल में जाने के बाद आप एनालिटिक्स में चले जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि आपको टिकटॉक ने कौन सा टाइम दिया है वीडियो पोस्ट करने के। इसमें फॉलोअर्स पे क्लिक करोगे, फॉलोअर्स पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इधर नजर आ जाएगा मोस्ट एक्टिव टाइम। तो मेरे अकाउंट का, ये मेरे अकाउंट का है, आपके अकाउंट का कुछ और होगा, ठीक है। तो आप इधर चेक कर सकते हैं, मेरे अकाउंट का मोस्ट एक्टिव टाइम 9 PM है, मतलब रात के 9 बजे। तो मुझे चाहिए कि मैं 6-7 बजे पर वीडियो पोस्ट करूं ताकि जो एक्टिव टाइम मेरे यूजर एक्टिव आते हैं उसको उसी टाइम पे मिले। 9, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब इस टाइम पे मेरे ज्यादा फॉलोअर्स आते हैं तो उसको वीडियो जरूर मिलेगी और वो जो रिएक्शन करेगा तो मेरी वीडियो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। इस टाइम का ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने जो वीडियो पोस्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर इस वीडियो को पोस्ट करता हूँ, ठीक है। ये एक पैरट है जो बातें कर रहा है, ठीक है। तो सबसे जरूरी तो ये है कि ये वीडियो मुकम्मल इधर प्ले हो जाए, जो वीडियो आप पोस्ट करते हो इस स्टेप पे प्ले होनी चाहिए ये वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपने अगर फिल्टर लगानी है तो फिल्टर लगाए। उसके बाद आपने नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करने के बाद ये एक पॉइंट है, आपने इसका ख्याल रखना है कि यहाँ पे सेलेक्ट कवर जो आपको नजर आती है थंबनेल के बारे में है, ठीक है। आपने इस पे क्लिक करना है और आपके कौन सा स्टेप फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो आनी चाहिए उसको लेके आपने करना है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला स्टेप स्टार्ट पे आ जाए, ये वाला स्टेप, ये मेरे वीडियो का थंबनेल हो गया, ठीक है। मैं इस पर सेव करूंगा, जो आपको सेव का बटन नजर आ रहा है, सेव पे क्लिक करूंगा, मेरा थंबनेल हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वीडियो को टाइटल देनी है। मेरी वीडियो है एक पैरट है वो बातें कर रहा है, ये मैं इसको टाइटल देना चाहूंगा अमेजिंग पैरट टॉकिंग, ठीक है। अमेजिंग पैरट या पैरट टॉकिंग अमेजिंग, बस ऐसा ही कुछ इसमें लिखो, ये कुछ लिखो अमेजिंग। और उसके बाद कोई भी इमोजी आप इसमें पुट करना चाहते हो, एक इमोजी जरूरी है, आप उसमें पुट करो, ठीक है। उसके बाद आपने हैशटैग्स देनी होती है और हैशटैग्स का मतलब है, ये हम इसको इंजीनियरिंग मोड में कहते हैं कीवर्ड्स, की चाबी को कहते हैं, वर्ड्स अल्फाज को कहते हैं। आपके ये जो अल्फाज है कीवर्ड्स, जैसे हैशटैग कहते हैं, ये जो अल्फाज है ये आपकी वीडियो की चाबी है। जो आप इसको सही लिखोगे तो ये लोगों को चाबी मिल जाएगी और आपकी वीडियो उसको मिल जाएगी, उस तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान से रखना होगा, ठीक है। आपने उसके बाद हैशटैग लगा के जो आपके अकाउंट का यूजर नेम है, यूजर नेम जैसे मेरे अकाउंट का यूजर नेम है साजिद व्यूज, सबसे पहले उसको पुट करना है। उसको पुट करने के बाद आपने जो वीडियो है, वीडियो किसके बारे में है, बर्ड्स है, बर्ड का आपने एक हैशटैग लगाना है, बर्ड लवर, ऐसा कोई हैशटैग आपने लगाने की बर्ड्स लवर, मतलब जो परिंदों का लवर्स लोग हैं उसके पास ये वीडियो चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या इस वीडियो में क्या है, बर्ड क्या करता है, पैरट, पैरट का एक हैशटैग उसको दे दो, ठीक है। पैरट का एक हैशटैग के बाद आपने दूसरा, तीसरा या फोर्थ, चौथा जो हैशटैग देना है पैरट टॉकिंग, मतलब ये पैरट क्या कर रहा है, पैरट टॉकिंग, ओके। आपने पैरट टॉकिंग का हैशटैग भी डाल दिया। तकरीबन 3 से कम हैशटैग आपने नहीं डालने, 3 से ऊपर आपने डालने हैं, ठीक है। लेकिन अट्रैक्टिव हैशटैग जो आपकी वीडियो के साथ रिलेटेड हो। उसके बाद क्या करना है, आपने लोकेशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं आप लोकेशन ऐड करें, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलबत्ता ऐड करोगे तो फायदा होगा। जैसे मैं पेशावर से हूं तो मैं पेशावर ऐड करता हूं, ठीक है। उसके बाद मोर ऑप्शन पे क्लिक करके आपने मोर ऑप्शन में आना है और यहां जो आपको नजर आती है ये सारों को आपने ऑन रखना है, क्योंकि स्टार्ट में ये ऑन रखना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे अगर आपका प्लेलिस्ट है, आपके 10,000 से फॉलोअर ऊपर है तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें, नहीं तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो है आपने हाई क्वालिटी वीडियो अपलोड, ये बिल्कुल ऑन रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आता है नजर, ये जो लास्ट में ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन है इसको ऑफ रखना है,
क्योंकि ये अंडर एज जो टीनेजर लोग हैं उसको फिर नजर नहीं आएगी, तो हम चाहते हैं कि हर किसी को ये वीडियो नजर आ जाए। इन कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। आपकी वीडियो पे जरूर व्यूज आएंगे, फॉर यू में चली जाएगी। वीडियो पसंद हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।